पंजाब विधानसभा बजट सत्र के चौथे दिन सदन की कार्यवाही जारी है। सदन में आज मशहूर दिवंगत पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड मामले में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के विधायकों के बीच जमकर बहस हुई। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग के आम आदमी पार्टी मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल और गुरमीत सिंह मिथेयर से सवाल जवाब हुए। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड मामले में इंसाफ दिलाने की बात उठाई। उन्होंने कहा कि सिद्धू की माता और पिता विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे इंसाफ की मांग कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि भले ही पंजाब सरकार ने कई आरोपी अरेस्ट किए, ये पूछा कि सिद्धू के माता पिता जिन गैंगस्टर्स और आरोपियों के नाम बता रहे हैं, पंजाब सरकार उन्हें गैंगस्टर क्यों नहीं कह रही। आम आदमी पार्टी विधायक कुलदीप सिंह धालीवाल ने इस दौरान कहा कि वो सिद्धू मूसेवाला के पिता को मिल चुके हैं और सीएम मान ने भी उनसे मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि सीएम मान ने इंसाफ दिलाने का भरोसा दिया है। उन्होंने आरोप भी ये लगाए कि कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल के नेताओं ने हजारों लोगों की मौत पर सियासत की है। इसके बाद आम आदमी पार्टी विधायकों ने कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता अमनप्रीत कौर हमारे साथ मौजूद है। अमन, आज जिस तरीके से विधानसभा बजट सत्र की कार्रवाई हुई और इसमें वाद विवाद इस बात को लेकर हुआ कि आखिर सिद्धू मूसेवाला को अभी तक इंसाफ क्यों नहीं मिल पाया है, इसको लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने दिखे। देखिए अमन, अरोड़ा की तरफ से विधानसभा में ये टाटा जो बात रखी जा रही थी कि जब से उनकी सरकार बनने को तकरीबन 16 मार्च को पूरा एक साल हो जाएगा, लेकिन इस दौरान उन्होंने कई तरीके की चीजें करी हैं। जब महरूम सिद्धू मूसेवाले की जब बात हुई, जब उस पर चर्चा हुई, तो इसके ऊपर राजा वड़िंग एकदम भड़क पड़े। उन्होंने बोला कि उनके माता पिता यहाँ पर आए थे, लेकिन उनकी तरफ से किसी तरीके से कोई मुलाकात नहीं जो की गई। हालांकि मुलाकात जो की गई वो कुलदीप सिंह धालीवाल की तरफ से की गई और उन्होंने बोला कि इंसाफ क्यों नहीं उनको अभी तक दिया गया है और इंसाफ की मांग से लगातार लंबे समय से वो कर रहे हैं उनके माता पिता। उन्होंने कहा कि ठीक है, कुछ लोग जरूर पकड़े गए, लेकिन जो मेन कल्प्रेट थे, जो मेन वो थे, वो क्यों अभी तक नहीं पकड़े गए हैं। इसी को लेकर बहस इतनी बढ़ती गई कि कांग्रेस जो वॉकआउट करके बाहर निकली। हालांकि कांग्रेस जब वॉकआउट करके बाहर निकली तो उन्होंने मीडिया के साथ बात करते हुए ये बात कही कि सरकार को इस चीज को लेकर संजीदा होना होगा। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि अगर जब हालांकि ये बात आम आदमी पार्टी की सरकार विधानसभा में काफी ऊंची आवाज में बोलते रहे कि उन्होंने कहा है कि 20 तारीख के बाद जो सीएम भगवंत मान है उनके परिवार से मुलाकात करेंगे और उनके साथ वो मुलाकात करके जल्द से जल्द जो भी मेन आरोपी है उनको पकड़ा जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कांग्रेस कह रही थी कि क्यों नहीं इस मसले को जल्द हल किया जाए। जब वो कल यहाँ विधानसभा में आए थे तो क्यों नहीं सीएम मान की तरफ से उनसे मुलाकात की गई, लेकिन विधानसभा में ये बात बार बार कही गई जो अमन अरोड़ा है चाहे कुलदीप धारीवाल की तरफ से कि वो खुद मुलाकात करने के लिए सीएम की तरफ से ही ये जो मैसेज उन तक पहुंचाया गया था और ये ऐसा नहीं है कि वो उनसे नहीं मिल सकते, वो उनसे जरूर मिलेंगे और 20 तारीख के बाद का समय दिया गया है जिसको चलते उन्होंने वॉकआउट किया और उसके बाद जो विधानसभा की कार्रवाई फिर लंबे समय तक जो की चलती रही। अमन, जिस तरीके से सदन में ये जो कानून व्यवस्था का मुद्दा है वो लगातार गरमा रहा है, इस पर आम आदमी पार्टी लगातार जवाब दे रही है, लेकिन कल जिस तरीके से हमने देखा विधानसभा के बाहर सिद्धू मूसेवाला के पिता उनकी मां प्रदर्शन कर रहे थे, वहां पर कुलदीप धालीवाल पहुंचे, उनको आश्वासन दिया, घर भेजा, लेकिन जो समय है सीएम भगवंत मान से मिलने का वो उनको आगे का दे दिया गया, लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि उसी समय जाकर मिल सकते थे। देखिए, मैंने अभी आपसे यही बात बोली है कि वो मांग सिर्फ ये कर रहे थे कि जब उनके माता पिता यहाँ पर आए थे तो उनकी तरफ से क्यों मुलाकात नहीं की गई सीएम मान की तरफ से। बेशक उन्होंने जरूर कहा था, उन्होंने सिर्फ इतनी तक भी बात बोली कि क्यों नहीं उनको वो ऊपर बुलाया गया, उनके पेरेंट्स के साथ एक छोटी सी मुलाकात की गई क्योंकि वो बहुत दूर से यहाँ पर आए थे तो ऐसे में ये चीज होनी लाजमी थी। इसी चीज को लेके ही वो लगातार जो चीज को लेकर विरोध करते रहे और जिसको चलते हुए इतना विरोध बढ़ गया कि उनको वॉकआउट करना पड़ा विधानसभा से कांग्रेस को, जिसकी आम आदमी पार्टी बार बार यही बात कहते रही। हालांकि जब वॉकआउट करके वो निकले तो कांग्रेस चाहे आम आदमी पार्टी अमन अरोड़ा की बात की जाए चाहे फिर बात की जाए कुलदीप धालीवाल की, वो ये बात के ऊपर जिक्र करते रहे कि नहीं इस चीज को लेकर उनकी तरफ से पूरा सहयोग दिया जा रहा है, सीएम मान ने मुलाकात करने के लिए कहा है और जल्द जो इस मसले को भी हल कर लिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।